बाबू का घर ले जाओ, एक के प्लेट दिया भैया, जाम थे ना। फिलहाल हम लोग हरिश्चंद्र मंदिर पहुंच चुके हैं, तो आप लोग को हैप्पी महाशिवरात्रि मेरे मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो अभी हम लोग हाथ में जल ले लिए हैं और चलते हैं, अभी बहुत बड़ी लाइन लगी है तो चलते हैं हम लोग जल देने। तो फिलहाल इधर हम लोग आ गए हैं मंदिर में और इधर लाइन बहुत बड़ी लाइन लगी थी, तो जस्ट हम लोग लाइन में अभी खड़े हैं। तो अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी लाइन है। तो इधर से हम मतलब ब्लॉगिंग भी कर रहे थे, एक हाथ में जल लिए थे एक हाथ में ब्लॉगिंग कर रहे थे। और इधर मतलब पुलिस वाले फोर्स बहुत था, क्योंकि एक एक लोग को अंदर जाने दे रहे थे, तो शायद इधर ब्लॉग ना बना पाए हम। देखिए अंदर गौरीशंकर मंदिर के अंदर हम लोग आ गए हैं और इधर शनिदेव महाराज को हम लोग जल दे रहे हैं, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके दे रहे हैं जल। तो बहुत ही होता ना आनंद, बहुत आता है जब भगवान का पूजा करो मन से, तो बहुत ही आनंद हो मतलब दिल को मिलता है, सुकून मिलता है। तो इधर जल ये दे दिए थे, ये ब्लॉगिंग कर रहे थे और हम इधर जल दे के दिया जला रहे थे भगवान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में था। और सुबह बज रहा था 5:30-6 बज रहा था करीब, इतना भीड़ था, अभी पूरे दिन बाकी है, तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़ लग बताते हैं ये कि मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। तो हमारा यहाँ पूजा समाप्त हो गया था और इधर थोड़ा सा हम टहलते हैं, देखते हैं इधर मतलब माहौल कहाँ इधर का कैसा है। टहलने के लिए, जो क्योंकि पंडित जी को ढूंढ रहे थे चंदा लगवाने के लिए, तो नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था। और इधर फिलहाल आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी लाइन लगी थी लेडीज़, और लेडीज़ का सबसे चढ़ा दिए हैं। और इधर पीछे मैं कैमरा करके आप लोगों को दिखा रहे नंदी बाबा को, पुलिस और फोर्स भी लगा है। एक फोटो निकाल लिया, के नीचे आ गए थे सीढ़ी के नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगा था और भीड़ बहुत ज़्यादा था। और इधर गर्मा गर्म जलेबी, जो कि लड्डू उड्डू बहुत ताज़ा ताज़ा मिल रहा था गौरीशंकर मंदिर पर। इधर से हम आधा किलो गुड़ैया जलेबी ले लिए थे और इधर पानी पूरी देख रहे थे अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मेला का तो अच्छा मिलता नहीं है तो सबको पता है। तो इधर फिलहाल देखिए एक तरफ का सही था, तो वहाँ से थोड़ा सा चखे तो सही मतलब उतना नहीं था, टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं पड़ा था, फिर भी मैंने थोड़ा एक प्लेट चाट लिया और इधर गुड़ैया जलेबी। और इसके बाद जो मीठा उठा होता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगा, इस वजह से हम नहीं लिए कुछ। फिर ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टहले वाले देखे क्या क्या है क्या नहीं। तो इधर मेरा चाट रेडी हो गया है और इसको पैकिंग करवा के चलते हैं घर। और इधर सारा शॉपिंग भी कर लिए, जो कि मतलब जब ये कभी कभी होता है ना तो छोटा सा मतलब डोलची नहीं रहता है, तो मम्मी बोली थी मतलब डोलची ले लेना, तो डोलची लिए हैं और एक रोटी मेकर लिए हैं और जलेबी लिए हैं और चाट लिए, जो कि पानी पूरी नहीं मिला, एक बार सिर्फ नमक और कलर डाल के बनाए थे, तो ये बोली थी रहने दो, चलो कभी आना फिर खा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी था 5:30 बजे। तो अभी घर में निकल के तो उड़ गया है ना, तो मम्मी फ़ोन की कि जल्दी आओ, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर देता, उनके पास रहता भी नहीं है। तो चलो हम लोग चलते हैं घर जल्दी से, इसके बाद फिर हम आगे आप लोग को बताएंगे यहाँ क्यों इतना भीड़ लगता है और यहाँ पर मतलब क्या मान्य है, तो आपको हम बाद में बताते हैं। पहले चलते हैं घर के, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इधर गाँव में, मतलब गाँव साइड से जा रहे हैं, इस वजह से नहीं जा
जाने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि बांस उस लग गया है। अब तो आप लोग देख सकते हैं इतना फोर्स लगा था। तो जब यहाँ मतलब हर बार शिवरात्रि में ऐसे ही यहाँ फोर्स लगता है और ये माना जाना मंदिर है यहाँ सुजानगंज का। तो चलो फिलहाल अभी घर पहुँचने में 10-15 मिनट लगेगा, तब से हम चलते हैं। फिलहाल अभी जस्ट आए हैं घर, लगभग आधे घंटा हो गया आए और झाड़ू उड़ू नहीं मार रहे थे क्योंकि भोर में ही गए थे 5:30 बजे और अंधेरा भी था वहाँ। तो 3 ही बजे से मतलब सारा काम वहाँ चालू हो जाता है मंदिर पर। वो लाइन इतना लगा था ना, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगा था। तो बजे हम टाइम से तो पहुँच गए थे, तब भी वहाँ मतलब लग गया था लाइन। अब लोग मतलब देखे होंगे लाइन लगा था। तो अभी आए सिर्फ गुड़ैया जलेबी, जो कि मेरी सास उमा का एकदम फेवरेट है, तो वो लेके आए और जो छोटा मोटा सामान लेना था ले लिए क्योंकि इतनी भीड़ थी ना। और बाबू मेरा यहीं था घर पे, उड़ गया था तो दिक्कत हो रहा था, तो चले आए हैं। चलिए फिर वहाँ तो हम हमेशा जाते रहते हैं, सोमवार को हमेशा रेगुलर तो नहीं जाते। हाँ तो मन करता है ना, जब आप ये होता है वहाँ जाने के बाद इतनी शांति मिलती है, बता नहीं सकते हम। उस मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति हमको मिलती है। हम दीदी लोग भी आती ना, बोलते हैं दीदी वहाँ मतलब जाने से ना जैसे कुछ अजीब सा होता रहता है ना दिल में, तो फिर वहाँ जाओ ना जैसे सुकून, ना बहुत ज़्यादा सुकून वहाँ मिलता है। तो मंदिर में वहाँ जो कि शिवलिंग वहाँ जो है वहाँ का बहुत माना जाना, आप लोग मतलब यूट्यूब पर सर्च करिए तो फिलहाल आ जाएगा वहाँ का मंदिर। तो चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर न्यू ब्लॉग के साथ ऐसे प्यार भरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।